बगावत करना, सवाल उठाना, इल्जाम लगाना और इल्जामात के तीर चलाना राजनीति के अखाड़े में नया भी नहीं है और गलत भी नहीं है। लेकिन जरा तीर चलाते समय, इल्जाम लगाते समय इतनी सूझबूझ हर नेता में होनी चाहिए कि शब्दों पर थोड़ी सी लगाम रखे, खुद पर थोड़ा सा संयम रखे। इल्जामात के तीर ऐसे मत चलाइए कि कल को अगर आपके सामने परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि आपको उस पार्टी से जुड़ने का यहां पर कोई और रास्ता ही ना बचे तो आपकी नजरें झुके ना। कुछ ऐसा ही हाल भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी का हो चुका है। वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा है। वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अखाड़े में आगे भेजने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में इकलौता विकल्प अगर वरुण गांधी के पास बचता है तो वो विकल्प है कांग्रेस पार्टी के पास चले जाना। लेकिन वरुण गांधी का कांग्रेसी होना क्या इतना आसान है? क्या बाहें फैलाकर पार्टी उनका स्वागत करेगी? बिल्कुल नहीं। एक लंबे वक्त तक कांग्रेस के सामने नहीं, कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर वरुण गांधी ने पार्टी पर ना जाने कितने ही तीर चलाए हैं। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक, वरुण गांधी ने इन्हें बेइज्जत करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। साफ तौर पर यह कह देना कि मेरे लिए तो मेरा परिवार, मेरी मां तक सीमित है, बाकी सबसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। एक वक्त पर तमाम तरह के बेतुके बयान देना, शब्दों की गरिमा लांघ कर, रिश्तों से ऊपर राजनीति को रखकर कई ऐसी बातें बोल देना जिन्हें लेकर बाद में विवाद भी हुए। और आज जब अपनी पार्टी आपके खिलाफ है तो परिवार के साथ जुड़ जाना इतना आसान नहीं है वरुण गांधी के लिए, क्योंकि सोनिया गांधी वरुण के कुछ बयान कभी नहीं भूल पाएंगी। वरुण गांधी की कुछ बातें सोनिया गांधी नहीं भूल पाएंगी और वरुण का कांग्रेसी हो जाना मुश्किल हो जाता है। कुछ बयान दिए हैं वरुण गांधी ने, ना सिर्फ चौकीदार चोर है के नारे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेना, ना सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा की काबिलियत पर सवाल उठाना, ना सिर्फ घोटालों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर एक के बाद एक लगातार इल्जामात के तीर चलाना, बल्कि इन सब से हटकर, राजनीति से हटकर अगर यहां पर पारिवारिक रिश्तों की बात की जाए तो पारिवारिक रिश्तों से जुड़े भी जब सवाल वरुण गांधी से पूछे गए तो वरुण गांधी ने साफ कह दिया इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कुछ ऐसे ही सवाल और ऐसे ही सवालों पर वरुण गांधी के आढ़े टेढ़े और तीखे जवाब जो सोनिया गांधी को उनका कांग्रेसी होना कभी मंजूर नहीं होने देंगे। एक रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट में सवाल और सवाल के साथ जवाब भी आपको बताएंगे और ये जानने के लिए आपको नजर डालनी होगी हमारी बेहद स्पेशल रिपोर्ट पर। देखिए जरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी कांग्रेसी खेमे में शामिल हो सकते हैं। वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने के लिए तैयार हैं क्योंकि बीजेपी अब वरुण की उम्मीदों के बारे में विचार नहीं कर रही है। इस तरह की तमाम खबरें आए दिन आप सब सुन रहे होंगे और इन खबरों से आगे बढ़कर वरुण गांधी के इंटरव्यू में उनसे कांग्रेस पार्टी को लेकर, गांधी परिवार को लेकर जब किए जाते हैं सवाल, वरुण गांधी देते हैं क्या जवाब? वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा भले ही रखें लेकिन उनकी कई बातें ऐसी हैं जिन्हें सुनने के बाद सोनिया गांधी को उनका कांग्रेसी होना मंजूर नहीं होगा। बता दें आपको, वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं, इस फैसले में सोनिया गांधी की मंजूरी होना काफी ज्यादा जरूरी है। और बीजेपी के साथ जुड़े रहते हुए बीजेपी के नेता वरुण गांधी कई ऐसा बयान दे चुके हैं जिसके बाद सोनिया गांधी को वरुण का कांग्रेस में शामिल होना मंजूर नहीं होगा। वरुण गांधी से एक इंटरव्यू में किया गया था सवाल, क्या आप कभी कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे? वरुण ने कहा, इसका सवाल ही नहीं उठता। 10 लाख लोग कह चुके हैं कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं, जबकि मेरा स्वभाव एक नाव पर सवार होने वाला है। मैं बीजेपी में 15 साल पहले आया, जिस दिन मुझे बीजेपी छोड़नी होगी मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। वरुण गांधी से एक बहुत जरूरी सवाल किया गया था और ये सवाल राजनीति के अखाड़े में और इस अखाड़े के बाहर दोनों ही जगह काफी ज्यादा मायने रखता है। सवाल था, कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके संबंध कैसे रहे हैं, आपके संबंध कैसे साधे गए हैं, जिस पर वरुण गांधी ने कहा, ये 100% झूठ है। मेरी इस परिवार में एक ही गुरु है और वो है मेरी माँ, जो 23 साल की उम्र में विधवा हो गई। मेरी माँ ने जिंदगी भर मेरे लिए संघर्ष किया। मैं अपनी गर्दन काट लूंगा लेकिन अपनी माँ के आत्मसम्मान में कोई कमी
नहीं आने दूंगा। इस परिवार के साथ मेरे औपचारिक रिश्ते हैं, पारिवारिक नहीं। आप ये बताइए, क्या मेरी कभी रुचि थी मीडिया में ये हलचल थी कि वरुण गांधी शांत हैं, तो शांत क्यों हैं? लेकिन किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। मेरे साथ बीजेपी में न्याय हुआ है और आगे भी होगा। वरुण गांधी से किया गया सवाल, क्या यूपी चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी ने सीएम का चेहरा बनने के लिए आपसे संपर्क किया था? वरुण गांधी ने कहा, मैं जिस दिन बीजेपी को छोड़ने का निर्णय करूंगा, उस दिन बोरिया बिस्तर बांधकर चला जाऊंगा। आज जो मेरे पास मेरे माता पिता के सम्मान की वजह से है, इस वक्त मेरे पास गुरु, माँ और पिता सबके रूप में मेरी माँ है। मैं बीजेपी से दूर इसलिए हुआ क्योंकि मैं किताबें लिखना चाहता था, किताबें पढ़ना चाहता था और इस बारे में मैं अमित शाह से बात कर चुका था। उन्होंने कहा ठीक है, इसी वजह से मैंने पार्टी से दूरी बनाई थी। अब वरुण गांधी ताल ठोक कर एक बार नहीं बल्कि बार बार कह चुके हैं कि कांग्रेस में उनके शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। इतना ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों के नेतृत्व पर खुले तौर से वरुण गांधी ने सवाल भी उठाए हैं। और इस तरह के तमाम सवालों के बाद अब वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सोनिया गांधी बाहें फैलाकर उनका स्वागत नहीं करेंगी।